ओ भाई क्या कर देती हूँ, मेरा आँख में चला गया। हे हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, सबसे पहले सबको हैप्पी न्यू ईयर एंड आई होप ये न्यू ईयर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा कटे। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो एक रिव्यू वीडियो है एंड आज का जो प्रोडक्ट है वो हेयर केयर प्रोडक्ट है। हम जो हेयर स्ट्रेटनिंग वगैरह करते हैं उस चीज़ से हेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोडक्ट्स हमें यूज़ करना चाहिए उसी चीज़ के ऊपर वीडियो बना रही हूँ एंड होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स वगैरह मिलता रहे। सो यार लेट्स गेट स्टार्टेड। जो प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया है वो मैंने नायका से ऑर्डर किया है एंड ये इसका पैकेजिंग है। सो चलिए अभी इसको खोलते हैं। इसको मैंने पहले खोल लिया है बट प्रोडक्ट जो है वो मैंने ट्राई नहीं किया है ऑनेस्टली अभी भी। इस तरीके का रैप किया हुआ आपको मिल जाएगा। सो मैं एक एक करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मुझे मिला है हॉट शॉट हीट प्रोटेक्शन हेयर मिस्ट जो कि बी ब्लंट का है ये प्रोडक्ट। एंड दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है हॉट शॉट होल्ड स्प्रे एंड इसका क्वांटिटी है 300 ml का। क्वांटिटी काफ़ी अच्छा लगा मुझे दोनों का। इसी के साथ साथ मुझे कुछ फ्री प्रोडक्ट भी मिला है वो भी मैं दिखा देती हूँ। ये है बी ब्लंट का 5 मिनट जो हेयर कलर है ये वो है एंड इसमें शेड है चॉकलेट ब्राउन। ये मुझे फ्री में मिला है सो कलर भी मैं चूज नहीं कर पाई, जो कलर दिया हुआ था वही मुझे लेना पड़ा। एंड लास्ट में मुझे मिला है ये आई थिंक कुछ प्राइमर होगा। हाँ ये है ओरिजिनल फोटो फिनिश स्मूथ एंड ब्लर प्राइमर। एक छोटा सा पाउच दे रखा है ताकि आप पहले टेस्ट करो, अच्छा लगे उसके बाद आप जो प्रोडक्ट है वो आप परचेज करो। सो ये कुछ ऐसे बुक टाइप पे आपको मिल जाता है। सो ये कुछ चीज़ें मुझे मिला है। बेसिकली मैंने ऑर्डर किया था ये दो प्रोडक्ट एंड बाकी जो हेयर कलर एंड प्राइमर है वो मुझे गिफ्ट में मिला है। ये जो प्रोडक्ट है ये मैंने काफ़ी जगह पे देखा था एंड काफ़ी लोगों ने अच्छा रिव्यू दिया जिस वजह से मैंने भी ये ऑर्डर किया है। क्योंकि ज़्यादातर मैं हेयर कर्ल या फिर स्ट्रेटनिंग वगैरह नहीं करती हूँ लेकिन मुझे लगता है कि जब भी मैं करूँ ये प्रोडक्ट यूज़ करूँ ताकि मेरे जो बाल है काफ़ी लंबे हैं और इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है जिस वजह से मैंने ये ऑर्डर किया है। तो ये दो प्रोडक्ट मैं आज यूज़ करूँगी एंड देखेंगे कि ये कितना अच्छा प्रोडक्ट है। आप लोगों को ऑनेस्ट रिव्यू मिलेगा क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये कैसा प्रोडक्ट है कैसा काम करता है। अभी मैं एक छोटा सा टेस्ट करूंगी कि ये जो हीट प्रोटेक्टर है ये अच्छे से काम करता है कि नहीं करता है। सो इसके लिए मैंने ये ईयरबड ले लिया है। एक साइड पे मैं ये जो हीट प्रोटेक्शन वाला हेयर मिस्ट है वो अप्लाई कर रही हूँ। तो एक साइड पे ना मैंने अप्लाई कर लिया है एंड दूसरा जो साइड है वो ऐसे ही रहेगा। सो इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा हेयर है एंड देखते हैं कि ये कितना अच्छा प्रोटेक्ट करता है। सो इस साइड पे मैंने लगाया है ये देखिए एंड ये जो साइड है ये पूरा सूखा है। ओके इसमें तो आगे लग जा रहा है। सो आप देख सकते हो ये पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया, इस पर आग भी लग गया। तो अभी दूसरा साइड जिस पे हमने ये वाला हीट प्रोटेक्टर मिस्ट अप्लाई किया था। सो चलिए अब इस पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका क्या हाल हो गया। अभी मैं इसको इसके अंदर चलाऊंगी ना तो, और ये देखिए पूरा जल ही गया ये पूरा। लेकिन सेम चीज़ मैं यहाँ पे करती हूँ तो आप देख सकते हो क्लियरली कि ये सही में हमारे हेयर को बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका क्या हाल हो गया है एंड ये वाला आप देख सकते हो बिल्कुल वैसे का वैसा है। साइड से थोड़ा सा हल्का हल्का डार्क हुआ है
बाकी बिल्कुल वैसे का वैसा है। सो आई एम श्योर, मुझे लगा नहीं था कि ये इतने अच्छे से काम करेगा, बट प्रूव आप लोगों के सामने है। सो मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। प्लस न्यू ईयर है, थोड़ा सा बालों को भी स्ट्रेट करता है, जबकि मैं उतना नहीं करती हूँ स्ट्रेटनिंग वगैरह, बट आज न्यू ईयर है, थोड़ा सा तो स्टाइल बनता है। चलिए आज बालों को स्ट्रेट करते हैं। एंड मेरे लंबे बाल है तो क्या पता मैं सारे बाल स्ट्रेट ना करूँ, ऊपर ऊपर के बाल स्ट्रेट करूँ, बट पहले मैं ये ट्राई करूंगी। इसको अप्लाई कैसे करना है, इसको अपने बाल पे जस्ट ऊपर ऊपर से ऐसे स्प्रे कर देना है। इसका स्मेल भी बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा स्मेल। ओके, तो इस साइड के बालों पे मैंने अप्लाई कर लिया है हीट प्रोटेक्टर, थोड़ा नीचे भी अप्लाई कर लिया। ओ भाई क्या कर देती हूँ, मेरा आँख में चला गया। ओके, सो नीचे भी अप्लाई हो गया है अच्छे से। एंड अभी हम करेंगे हेयर स्ट्रेट, तो मैं सामने वाले बालों को पहले स्ट्रेट करूँगी। ये मेरा काफ़ी पुराना स्ट्रेटनर है, ये आई थिंक 4-5 सालों से चल रहा है। ये फिलिप्स का मैंने लिया था, केरा शाइन स्ट्रेटनर है ये। फिलिप्स का थोड़ा ओल्ड वर्जन है बट काफ़ी अच्छा स्ट्रेटनर है, एंड मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। बहुत टाइम से ये मेरे साथ है, सो मैं बोल सकती हूँ कि ये काफ़ी अच्छा स्ट्रेटनर है, आप लोग ये ले सकते हो। इसका प्राइस भी उतना ज़्यादा नहीं है, मैंने देखा था ऑनलाइन में, आजकल काफ़ी कम हो रखा है इसका प्राइस, प्लस ऑफर भी दे रखा है, सो बहुत ही कम हो गया इसका प्राइस, आप चेक कर सकते हो एक बार। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस स्ट्रेटनर का भी, अगर मिलता है तो। सो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना अगर आपको स्ट्रेटनर का डिटेल्स चाहिए। वाओ, तो इस साइड का थोड़ा बहुत स्ट्रेट हो गया, मुझे नेचुरल स्ट्रेट अच्छा लगता है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हो जाता है वैसा वाला स्ट्रेट मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। मतलब नेचुरल स्ट्रेट होता है तो ऐसा लगता है कि आपके बाल ओरिजिनली ऐसे ही स्ट्रेट है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा कर लेते हो तो ऐसा लगता है, वो समझ में आ जाता है कि आपने अलग से स्ट्रेट करवाया है, इसलिए मुझे इतना स्ट्रेट ही अच्छा लगता है, ज़्यादा स्ट्रेट मुझे अच्छा नहीं लगता। सो अभी इस साइड का भी जो बाल है वो स्ट्रेट कर लेंगे, बट उससे पहले लंबे बाल में काफ़ी टाइम भी लगता है स्ट्रेट करने में, सो आप इतना स्ट्रेट कर सकते हो आराम से, ताकि आपका जो हेयर है वो नेचुरल स्ट्रेट भी लगे और अच्छा भी लगे दिखने में, आपको ज़्यादा मेहनत भी ना करना पड़े, ज़्यादा टाइम आपको सिर्फ इसके वजह से लगे रहने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा स्ट्रेट करो, थोड़ा होल्डिंग स्प्रे मारो एंड निकल जाओ। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से स्ट्रेट भी हो गया है, एंड ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा स्ट्रेट होने में। सो ये जो आप हेयर कर्ल करते हो, स्ट्रेट करते हो, उसको कुछ टाइम, अगर आप 4-5 घंटे अगर आप वैसे का वैसा ही रखना चाहते हो, तो उसके लिए एक होल्डिंग स्प्रे चाहिए होता है। सो मैंने ये वाला स्प्रे लिया है, एंड अभी मैं अपने स्ट्रेट बालों पर ये थोड़ा यूज़ करूँगी। इसका स्मेल बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे, बट ऐसा नहीं है कि बहुत गंदा है, मुझे ये स्मेल पसंद नहीं है, सो मुझे नहीं लगा अच्छा। ओके ओके, इसको मैं डिवाइड कर लेती हूँ पहले।
करते हैं, देखते हैं। वो ओके नाउ दिस साइड वाओ गाइज, बी ब्लंट का ये जो दो प्रोडक्ट मैंने लिया है, चलिए अभी बात करते हैं कि मुझे कैसा लगा। सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट है ये इसका क्वांटिटी मैं बता देती हूँ, ये है 150 ml का एंड यहाँ पे आपको स्प्रे का मिल जाता है, यहाँ पे आपके छोटा सा एक ढक्कन मिलता है, इसको आप बंद कर सकते हो। बहुत ही डिफरेंट इनका पैकेजिंग है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा शौक होगी इसका रिजल्ट देख के, इतना अच्छा ये काम करता है। तो मैं बोलूँगी जो लोग डेली बेसिस पे अपना जो हेयर स्टाइल वगैरह कर रहे हो वो ये प्रोडक्ट अपने पास रखे ही रखे, नहीं तो जो हेयर है वो बहुत ही जल्दी डैमेज हो सकता है, हो सकता है क्या, होगा ही। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही अच्छे से आपका हेयर प्रोटेक्ट कर लेगा एंड आपका जो हेयर है ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा, डैमेज तो होता ही है बट डैमेज का जो परसेंटेज है वो बहुत हद तक ये कम कर देगा। उसके बाद ये जो होल्ड स्प्रे है ये भी काफ़ी अच्छा स्प्रे है, थोड़ा सा आपको ना अप्लाई करने के कुछ टाइम बाद थोड़ा सा हार्ड लगेगा क्योंकि आपके बाल को जैसे स्टाइल करोगे आप वैसे उसी तरह होल्ड करके रखता है, सो ये जो हार्ड हो जाता है ये हेयर वॉश के बाद ही ठीक हो सकता है, उससे पहले ये ऐसा ही रहता है। बट ये प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे, ये आपके बालों पे एक शाइन भी लाता है, यहाँ पे लिखा भी है विथ शाइन टॉनिक, ये आपके बालों को होल्ड करने के साथ साथ एक बहुत ही प्रिटी सा एक शाइन भी देगा, आप यहाँ पे भी देख सकते हो बाकी हेयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो शाइन है वो थोड़ा सा अलग ही है। यहाँ पे जो क्लेम किया गया है वो आई थिंक काफ़ी हद तक मुझे सही लगा क्योंकि ये मैं नोटिस कर पा रही हूँ कि यहाँ पे जो है ये बाकी वालों के साथ अगर मैं कंपेयर करूँ तो हल्का सा ज़्यादा शाइन दे रहा है, तो ये चीज़ भी मुझे सही लगा। एंड बाकी जो इनका कलर है बी ब्लंट का, मैंने हेयर कलर भी यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा हेयर कलर है, जो 5 मिनट हेयर कलर है वो बहुत जल्दी जल्दी आपका हेयर कलर हो जाता है, जिनके पास टाइम नहीं है वो यूज़ कर सकते हो। एंड बी ब्लंट का हेयर कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, हेयर काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, तो ये फ्री प्रोडक्ट भी मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है। एंड ये जो दो प्रोडक्ट है ये आई थिंक सारी लड़कियों के पास होना चाहिए, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। बी ब्लंट जो ब्रांड है वो भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है, जैसे मैंने रिव्यू देखा था मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज थी कि सही में ये प्रोडक्ट उतना अच्छा है या नहीं, मैं इसको टेस्ट करना चाहती थी, मैं इसको ट्राई करना चाहती थी, जिस वजह से मैंने ये ऑर्डर किया है एंड दोनों ही मेरे टेस्ट में पास हो चुके हैं। आप लोग भी आग बन के ये दो प्रोडक्ट ले सकते हो, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। सो गाइज, आप लोग भी बताना जिन्होंने यूज़ किया है कि आप लोगों का भी एक्सपीरियंस मेरे जैसा रहा है, आप लोग भी उतना ही खुश हुए हैं या नहीं, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। सो या दैट्स इट, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर ये प्रोडक्ट्स आपको लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो एंड न्यू ईयर में कुछ अच्छा अपने हेयर के लिए भी करें, बी ब्लंट का जो प्रोडक्ट है वो ऑर्डर करें एंड यूज करें। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे यूजफुल वीडियोस देखने के लिए एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर, बाय।